नमस्कार, मैं हूं सभा शाहिद, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। ज्ञानवापी कूप पर बीजेपी के प्रोफेसर शत्रुघ्न त्रिपाठी ने एक बड़ा दावा किया है। दरअसल उन्होंने बताया कि ज्ञानवापी कोई कुआं नहीं है बल्कि वो सरोवर था। हालांकि समय के साथ उसका आकार छोटा होता गया। साथ ही उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी के सरोवर होने का साक्ष्य स्कंद पुराण और लिंग पुराण में है। क्या है पूरा मामला, देखिए आज की रिपोर्ट। वाराणसी में ज्ञानवापी का मुद्दा कोर्ट में है। वहीं कोर्ट में कानूनी लड़ाई के बीच बीएचयू के ज्योतिष विभाग के प्रोफेसर ने पुराणों में मिले सबूतों के आधार पर ज्ञानवापी कुप को लेकर एक बड़ा दावा किया है। दरअसल रिसर्च के बाद प्रोफेसर शत्रुघ्न त्रिपाठी ने ज्ञानवापी कुप के स्वरूप को बेहद भव्य बताया है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि ज्ञानवापी कुप का स्वरूप लगभग 1000 हाथ के व्यास के बराबर था और इसका एक छोर गंगा के तट तक फैला था। इतना ही नहीं, इस विशाल सरोवर के चारों तरफ मंदिर भी स्थापित थे। पूरब में तारकेश्वर, पश्चिम में दंडपणि, उत्तर में नंदीश्वर और दक्षिण में महाकालेश्वर स्थापित हैं। वहीं स्कंद पुराण के काशी खंड में इसका वर्णन भी है। प्रोफेसर शत्रुघ्न त्रिपाठी ने बताया कि ज्ञानवापी कोई कुआं नहीं है बल्कि वो सरोवर था। हालांकि समय के साथ उसका आकार छोटा होता गया। उन्होंने दावा किया कि ज्ञानवापी के सरोवर होने का साक्ष्य स्कंद पुराण और लिंग पुराण में है। वहीं काशी खंड के 33 अध्याय में ये उल्लेख है कि भगवान शंकर के, रुद्रांश के, आदि विश्वेश्वर के जल अभिषेक के लिए त्रिशूल से जमीन पर प्रहार कर इस सरोवर का निर्माण हुआ था। मान्यता है कि ज्ञानवापी के जल में भगवान शिव जल रूप में मौजूद है। जो भी श्रद्धालु इस ज्ञानवापी के जल को अर्पण करता है उसे न सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति होती है बल्कि साथ ही अज्ञानता भी दूर हो जाती है। आपको बता दें कि 5 महीने से अधिक समय के रिसर्च के बाद प्रोफेसर शत्रुघ्न त्रिपाठी ने बकायदा ज्ञानवापी सरोवर का एक स्वरूप भी तैयार किया है। उनका दावा है कि इस स्वरूप का उल्लेख पुराणों में है जिसे कोई भी देख सकता है। प्रोफेसर शत्रुघ्न त्रिपाठी ने बताया कि ज्ञानवापी कूप का स्वरूप लगभग 1000 हाथ के व्यास के बराबर था और इसका एक छोर गंगा के तट तक फैला था। इस विशाल सरोवर के चारों तरफ मंदिर भी स्थापित थे। पूरब में तारकेश्वर, पश्चिम में दंडपणि, उत्तर में नंदीश्वर और दक्षिण में महाकालेश्वर स्थापित हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वहीं स्कंद पुराण के काशी खंड में इसका वर्णन भी है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।